माँ ने कितना समझाया तो तुम, लेकिन तुम किसी की सुनती नहीं हो। अब देख लेना अंजाम। नहीं, ये अंजाम नहीं है शाहजेब। शाहजेब और अपने घर को मैं इतनी आसानी से उस समरीन के हवाले नहीं करूंगी। अम्मी जी, आप हिना की रिपोर्ट्स देखने के लिए कमरे की तलाशी ले रही थी। इनसे पूछो, अगर ये मुझसे मांगती तो क्या मैं मना कर देती? हाँ, मना कर देती, पता है मुझे, बिल्कुल मना करती। इसलिए कि किस लिए? रिपोर्ट्स आ गए? क्या है रिपोर्ट्स में, दिखाओ। तो भी मां नहीं बन सकती। क्या कह रही तुम, दिखाओ मुझे। ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ है। मैं माँ नहीं बन सकती। नहीं शाहजेब, मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। झूठ, बिल्कुल झूठ। प्यार करती तो इतना बड़ा धोखा ना देती। तुम्हें पता है प्यार होता क्या? झूठी हो तुम, झूठ बोल रही हो। क्या बात है शाहजेब, कल से देख रही हूँ काफी उलझे हुए हो। जब हिना का चेकअप कराकर आ गए थे तो पप्पू से झूठ क्यों बोला कि नहीं करवाया? मैं जिन सवालों से बचने के लिए तुम्हारे पास नहीं आया, तुमने सुबह होते ही वो पूछ लिया। फिर भी बताओ तो, हुआ क्या है? मैं बहुत उलझ गया। हिना, हिना, इस तरह उजड़ी हुई क्यों लग रही हो? और ये सूटकेस क्या हुआ है? कुछ तो बोलो बेटा। आपकी बददुआएं लग गई मुझे अम्मी। आपकी बेटी के नसीब में औलाद की खुशी नहीं लिखी गई। ये क्या कह रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो हो गया है अम्मी, मगर अब क्या होगा? अब मैं क्या करूंगी? और शाहजेब, उसकी नजर में मेरी क्या वैल्यू रह गई? ज़हमरीन शाहजेब को मुझसे छीन लेगी। ना बेटा, संभालो खुद को, कुछ नहीं होगा, संभालो। शाहजेब सिर्फ मेरा है अम्मी, सिर्फ मेरा है। मैं हारूंगी नहीं, मैं नहीं हार सकती, नहीं हारूंगी मैं। हिना, हम किसी और डॉक्टर के पास जाएंगे, कोई तो इलाज होगा इसका, कुछ मेडिसिन। बेटा तुम रो मत, रो मत, सब ठीक हो जाएगा मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा। ठीक होना होगा अम्मी, ठीक होना होगा। मैं शाहजेब को किसी कीमत में नहीं खो सकती। शाहजेब सिर्फ मेरा है, प्यार करता है वो मुझसे। और प्यार ऐसे एक बात पे तो खत्म नहीं हो जाता ना। कौन सी बात? छोटी प्रेगनेंसी वाली। उफ अल्लाह, मैंने कितना समझाया तो तुम, लेकिन तुम किसी की सुनती नहीं हो। अब देख लेना अंजाम। नहीं, ये अंजाम नहीं है
शाहजेब और अपने घर को मैं इतनी आसानी से उस समरीन के हवाले नहीं करूंगी। देख लेना। अब बताओ कैसी लगी फैमिली? अच्छी। बस अच्छी है भाई, बहुत अच्छी है, बल्कि बहुत ही सुलझे हुए लोग हैं, मुझे तो बहुत पसंद है। तुम कहो तो बात आगे बढ़ाऊं, बल्कि मैं तो कहती हूँ बात ही पक्की कर लेते हैं। भाई तुम भी तो कुछ बोलो, तुम तो ऐसे बैठे हो जैसे मैं किसी और की शादी की बात कर रही हूँ। शादी? हाँ डायरेक्ट शादी ही करूंगी, कोई जरूरत नहीं है मंगनी में वक्त जाया करने की। भाई मुझे अपनी बहू चाहिए। मामा आपको नहीं लगता ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है? जल्दी हो या देर से, बात तो होने की है और अब मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकती। तुमसे बात कर रही हूँ, कहाँ खो गए हो? हाँ? मुझसे पूछ रही है? हाँ भाई, तुम्हारी हाँ के बगैर मैं कैसे हामी भरूंगी? मॉम मेरा दिल नहीं मान रहा शादी के लिए। ये क्या कह रहे हो, तुमने तो कहा था कि मैं लड़की खुद पसंद कर लूं, और अब ये सब? हाँ कहा था मैंने, लेकिन अब मैं ही मना कर रहा हूँ आपको। मैं ऑलरेडी एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर चुका हूँ, अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद करूं। शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं आपसे कहा है ना मैं आपको छोड़ के नहीं जाना चाहती। तुम मुझे छोड़ कर नहीं जाना चाहती, और अगर नहीं चलेगा तुम्हें छोड़ के फिर? आप ये बातें क्यों करते हैं? अल्लाह आपको मेरी भी उम्र लगा दे। यार हर इंसान अपनी जिंदगी जीता है, किसी को किसी की उम्र नहीं लगती, तो उधार की सांसें नहीं मिलती। इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए फैसला किया। मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए भी बड़ा मुश्किल होगा ये सब कुछ मानना, लेकिन मुझे लगता है हसन ठीक ही कह रहा है। बेटा जिंदगी में गुजरा कल कभी तुम्हारे आने वाले कल से टकरा गया तो सब कुछ तहस नहस कर देगा, और मैं नहीं चाहता कि तुम कल अकेली ये सब कुछ झेलो। बहन भाई तो एक हद तक ही साथ देते हैं, शौहर की सपोर्ट बहुत जरूरी होती है। लेकिन अब्बू मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। अगर मैं कहूं कि मेरा मान रखने के लिए कर लो, तब भी अपने दिल को राजी नहीं कर सकोगे? अगर मेरे मान के लिए भी अपने दिल को राजी नहीं कर सकती तो ठीक है, मैं जाके मना कर देता हूं। नहीं अब्बू आप ऐसे मत बोले, आपका मान रखने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा। मेरा मान रखकर जो खुशी तुमने दी अपने बाप को, देखना मेरा रब तुम्हारी छोली को खुशियों से भर देगा।
नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा प्यार मुझसे छिनाना तो मैं मर जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है? मेरा प्यार, मैं तुमसे कुछ नहीं छीन सकता। खुद से ज्यादा भरोसा है मुझे तुम पर। नहीं शाज़िब, मैं इन रिपोर्ट्स को नहीं मानती। ऐसा कैसे हो सकता है? ये गलत है। तुम मजाक करो ना मेरे साथ। अगर तुम मजाक करो तो मैं नाराज हो जाऊंगी तुमसे। शाज़िब बोलो ना। मजाक तो तुमने किया है मेरे साथ, मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस के साथ खेल के। प्रेगनेंसी का झूठ बोला है मुझे तुमने, और मैं पागल तुम्हारी हर बात मानता गया, तुम्हारी अंधा हो गया तुम्हारे प्यार में। इतना अंधा कि ये भी ना देख सका कि समरीन के साथ शादी कर रहा हूं मैं। समरीन तुम बहुत अच्छी, लेकिन जो तुमने हिना के साथ किया वो बहुत गलत था। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने हिना के साथ कुछ नहीं किया, मुझे मेरे बच्चे की कसम है। कसम खाने से पहले एक बार सोच तो लो, बोल क्या रही हो तो? क्यों सोचूं मैं? किस लिए सोचूं? जब मैं सच्ची हूं तो मैं क्यों सोचूं शाज़िब? मैंने हिना के साथ कुछ नहीं किया, और तुम्हें भी इस बात का तब यकीन आएगा जब तुम्हारी गोद में हमारा बच्चा होगा। जब जिसका दिल चाहेगा उठ के आएगा और हमको जलील करके चला जाएगा, जो भी कह देगा। समरीन तमीज से बात करो। मैं तमीज से बात करूं? और ये जो कर रही है वो, कल ये घर गई थी और इन्होंने अब्बू के सामने और हसन के सामने माहिन पर इल्जाम लगा के उसे नजरों से गिरा दिया उनकी। अच्छा, मैं तमीज से बात करूं? और ये जो कुछ भी कहे, जो कुछ भी बोले, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। ये इधर दे मोबाइल, छोड़े। अरे इधर दे मुझे, दे मुझे ये, इधर दो। ये अपने भाई के साथ मुखलिस नहीं हो सकी तो तुम्हारे साथ क्या होंगी? अरे देखो इसे, शाज़िब छोड़े। शुक्र है तुम आए तो सही, फोन भी घर पे छोड़ गए थे। रात कैसे करती? कहाँ गए थे और ये गर्दन पे निशान कैसे? नहीं नहीं, मैं रईस अंकल के घर गया था। ये क्या बेवकूफी की उनके घर जाने की? तुम गए क्यों वहां? उन्हें मनाने गया था, माफी मांगी उनसे। मैं नहीं कर सकता किसी और से शादी मॉम, मैं माहीन के अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। कह रहा था मुझे, इसलिए वहीं चला गया बात कर ली जाकर। जब पता है कि जवाब ना में होगा तो फिर जाने की क्या जरूरत थी? क्यों अजियत दे रहे हो बेटा अपने आप को? अजियत से निकालने ही तो अपने आप को गया था मॉम। फिर कम हो गई तुम्हारी अजियत? मना कर दिया ना उन्होंने? वो मान गए। क्या कहा तुमने? वो मान गए मॉम, और उन्होंने मुझे माफ भी कर दिया। तुम सच कह रहे हो या जो कुछ कह रहे हो वो मैं ख्वाब में देख रही हूँ? बिल्कुल सच कह रहा हूँ, वो मान गए हैं, उन्होंने मुझे माफ कर दिया है, बस आपको प्रपोजल लेकर जाना है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह भी हमेशा खुश रखे बेटा, मेरा बच्चा। समीर से बात हुई तुम्हारी? आई क्यों नहीं वो? जी अब्बू, उसका फोन आया था, शाज़िब की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए नहीं आई वो। तुलवाना ने तो जिक्र नहीं किया उसकी तबीयत का मुझसे, कोई भूल गई होंगी। तुम खुश तो हो ना? आप खुश हैं अब्बू?
बहुत खुश हूं। बस तो फिर मैं भी बहुत खुश हूं। मामू मुझे लगता है आपको अब शादी में डिले नहीं करना चाहिए। जितना जल्दी हो सके उसकी शादी कर दें। हो सकता है बिलाल। क्या बिलाल? बिलाल के डर की वजह से जल्दी शादी कर दूंगा? हैं? ये नहीं हो सकता मुझसे। मामू अभी बिलाल को कुछ नहीं पता। इससे पहले कि उसे जैन और महीन की एंगेजमेंट के बारे में पता चले आप शादी कर दें। ऐसे कैसे कर दूं? इतना आसान काम है क्या? दुकान जली पड़ी है मेरी। जो कुछ भी था कारोबार खड़ा करने के लिए लगा दिया। अब कुछ नहीं है मेरे पास। अरे सादगी से भी अगर शादी करे तो कुछ ना कुछ तो खर्चा हो ही जाता है ना। खर्चे की फिक्र क्यों करते? महीन का एक नहीं दो भाई है। मुझसे जितना हो सका मैं करूंगा। बस आप शादी की तैयारी करें। ऐसे कैसे मैं बात कर सकता हूं उनसे? बेटी का बाप हूं, क्या सोचेंगे लोग? हेलो। वालेकुम सलाम मैम। कैसा जवाब? मैं समझा नहीं। ठीक है, जैसे आपकी खुशी में। इस इतवार को निकाल रख लेते हैं। आप जी जी इसी इतवार की। आपको कोई इतराज है तो अल्लाह जब साथ देता है तो रास्ते की रुकावट एक ही फूल बन जाती है। उसका करम है कि उसने मेरा भरम रख लिया। परेशानी वाली कौन सी बात है? शादी तो करनी है ना। बहरहाल अबू, मैं इतनी जल्दी आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ। आप प्लीज उनसे एक साल का वक्त ले लें। मैं वक्त नहीं ले सकता बेटा उनसे। लेकिन क्यों अबू? बस मैं चाहता हूँ कि अब मेरी बेटी जल्द अज जल्द अपने घर की आ जाए। मुझे भी आपके साथ थोड़ा और वक्त गुजारना है। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। गुजार लेना वक्त। तुम्हें घर से रुखसत कर रहा हूँ बेटा। खुद तो दुनिया से रुखसत नहीं हो रहा ना। आप ऐसी बातें मत क्या करें। फिक्र न करो, सब ठीक हो जाएगा। चाय पिला लेकर आती हूँ।